हेलो एवरीबॉडी, जस्ट अभी मैं ट्रेन में बैठी हूँ. दिस इज इंटरसिटी, मतलब जब दूसरे रीजन में जाती है ना ट्रेन, जैसे मैं तस्करी रीजन में हूँ और मैं जा रही हूँ जेनोवा एरिया में. फर्स्ट क्लास सीट भी थी, टू सेकेंड क्लास की थी. तो मैंने जो लिया है मैंने फर्स्ट क्लास में लिया है. सो मैं आपको दिखा रही हूँ कैसी होती है. ओ, ये मेरा बैग घूम रहा है इधर उधर, क्योंकि मैंने बैग ना इधर, क्योंकि ऊपर इतना हैवी बैग है मैं रख नहीं सकती. लाइक इस तरह से ये रहता है टेबल खाने के लिए, और केबल तो नॉर्मल उसमें भी रहता है, और एसी तो फर्स्ट क्लास में भी एसी रहती है, सेकंड क्लास में भी एसी रहती है. मेरा बैग है अभी फ़िलहाल के लिए, मैं अपना बैग जो है इधर रख लेती हूँ. तो मैं देखती हूँ कि मैं बैग और ना डिफरेंस क्या होता है फर्स्ट सेकंड क्लास में, कि आप देखो थोड़ा ज़्यादा फैंसियर होता है यहाँ पे, बीच में टेबल रहती है, ज़्यादा लेगरूम स्पेस ज़्यादा रहता है यहाँ पे, ठीक है, लगेज का स्पेस अच्छा रहता है, बिल्कुल थोड़ा फैंसी रहता है. बस एसी दोनों में रहती है, फर्स्ट क्लास में भी सेकंड क्लास में. और मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर आपकी सीट मिलती है, उसमें आपको सीट नहीं मिलती है. तो ट्रेन मोस्टली खाली रहती है, तो आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी सीट की. कई कबार कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो बहुत भरी रहती है, लेकिन मुझे तो आज तक कभी मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि मुझे खड़े होकर के जाना पड़ा है ट्रेन पर भी. हमेशा मैं बैठ के ओके. सो अभी ट्रेन है, पहुँची है जेनोवा के, जेनोवा प्रिंसिपल मुझे जाना है, बट जेनोवा प्रिंसिपल के एक और, जेनोवा में दो स्टेशन है. सो ये अभी है हम जेनोवा ब्रिन्योली पे, हम जेनोवा ब्रिन्योली पे हैं, मुझे जाना है जेनोवा प्रिंसिपल. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी आपको एग्जैक्टली उस सिटी में कहाँ पर उतरना है, क्योंकि एक सिटी में 3, 4, 5, 6 स्टेशन भी हो सकते हैं. तो बस मेरा बैग ऊपर पड़ा है, बैग उतार लेती ऊपर से. मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी, तो मैंने वो फूड वाला बैठ करके वीडियो एडिटिंग किया, तो समझ ले रही थी, उससे बात किया. लेकर के नहीं चलना चाहिए. ट्रेन ऑलमोस्ट खाली है, बाहर दिखाऊं आप लोगों को, ये देखो बहुत प्यारा है जेनोवा, इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. ठीक है, मेरी जो कनेक्टिंग ट्रेन है, तो मेरे पास दो टिकट है, राइट. तो मैंने पुरानी ट्रेन अपनी पुरानी टिकट अपने बैग में रख ली, और जो ऐसा सोचेंगे लिपस्टिक कैसे पहले इतनी लगी हुई थी, तो भी लगाई मैंने. घर से निकली तो टाइम नहीं मिला था, सोचे थोड़ा लॉक कर रही हूँ, थोड़ा अच्छा भी लगना ज़रूरी है, राइट. जस्ट जोकिंग. ओके, सो ये मेरी दूसरी वाली टिकट है, ये है फ्रेश का बियांका की. ये पहुँचाएगी अप्रॉक्स 2 आवर्स में मुझे सैन रेमो, जहाँ मुझे जाना है, और इसका कॉस्ट है 36 यूरोस. ओके, सो अगेन दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट क्लास. सो फ्रेश का बियांका देखो यहाँ पर लिखी है, फ्रेश का बियांका. तो निकल पड़े हैं यहाँ से. तो पानी का कई बार ना ये नीचे आपको प्रेस करना पड़ता है यहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए. कई बार हमको एक पता नहीं होती है कि मतलब इतने सेंसर्स नहीं होते हैं, एक्स्ट्रा ना कुछ इसके बटन से अगर ज़मीन में लगे होते हैं. अच्छा, यहाँ पे लिखा रहता है बोगी नंबर. ये बैग लेके गई थी, यू नो ये वाला बैग नहीं था. सो आई हैव लाइक 1 बैग, ये बैक पैक हो गया एंड दस, और मैंने एक जैकेट भी लिया हुआ है. ऑल दो गर्मी का टाइम है, बट इसी के अंदर ठंडक भी कभी कभी रहती, यू नेवर नो. आ गई फाइनली, नंबर 1 पे था और मैं थी नंबर 9 बोगी, राइट, हिंदी में बोलते हैं नंबर 9 बोगी के पास से, और मेरा था नंबर 1. दौड़ते दौड़ते आई हूँ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ना जो टीटी वगैरह होते हैं ना वो बाहर खड़े रहते हैं, ठीक है. सो दे चेक कि कोई ऐसा दौड़ के अगर आ रहा है तो ट्रेन रोकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई दौड़ के आ रहा है तो फिर भी ट्रेन निकाल देते हैं. मैंने इंश्योर कि सब अंदर बैठ गए हैं, फिर वो विसल करते हैं, फिर ट्रेन चलती है. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स हियर, बट आई एम वेरी अनहैप्पी विद माई सीट, बिकॉज ये देखो सीट मिली है मुझे. आई वॉन्ट टू चेंज माई सीट, लड़की नहीं है यहाँ पे. लाइक
की क्या कहते हैं रौनक है जी में इसको, एक अलग ही रौनक थी। कोई सामान पूरा बिखरे हुए टेबल पे, लोग कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कोई बड़ी मूवी देख रहा है, मूवी देख रहे हैं, कॉफ़ी रखी हुई, पेन रखा हुआ है, सब काम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं उसी है, मेरे पीछे बैठे हैं यहाँ पे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है यहाँ पे ना। मैंने अपना सामान रख दिया अभी तो फ़िलहाल के लिए, तो कोई नहीं आया है, जब कोई आएगा तो देखा जाएगा। मैं अपनी सीट अच्छी नहीं लग रही तो मैं कोशिश करूँगी अपनी सीट चेंज करने के लिए। तो अब मुझे जाना है सनराइज में, दो घंटे तो फिश्का बियांका और जो इंटरसिटी थी नॉर्मल, दोनों सेम था, इंटीरियर सब कुछ सेम रहता है उनका, फर्स्ट क्लास का दोनों का। डिफरेंस ये है कि ये फास्ट है ट्रेन एज़ कंपेरिजन टू इंटरसिटी। तो इस ट्रेन की स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। फ्रेशा बियांका आटी इटालियन, इटालियन इसका मतलब होता है वाइट एरो। यूजुअली जैसे हमारे कंट्रीज़ में होता है कि लाइक कॉफ़ी आई मीन जो होते हैं ना वो चाय वाय सेल करते हैं और बाल्टी वगैरह में पानी लेके आते हैं, तो वैसा यहाँ पे सेकंड क्लास में नहीं होता है, फर्स्ट क्लास में होता है। लेकिन जो ट्रेन स्टाफ्स होते हैं ना वही सेल करते हैं, जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं जैसे फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, तो फ्लाइट में कैसे भी ट्रॉली में लेके आते हैं वैसे ये। सो कोई ओवर कॉस्ट नहीं है, जो बाहर कॉस्ट सेम है। सो दिस इज़ अ 1.5 यूरो। मैंने सिर्फ कफ़े बोला था तो उन्होंने सिर्फ पानी में कॉफ़ी डाल के दिया है, दे वोंट गिव यू मिल्क। सो इफ़ यू वॉन्ट विथ मिल्क यू शुड आस्क, और तो आप पूछ सकते हो कैपेचिनो। ओके, इटालियन इंग्लिश तो मिल जाती है। ओके, तो मेरे फ्रेंड्स भी आगे आगे जा रहे हैं, अभी लोगों ने मुझे देखा नहीं है।